पहुंचाना। आदिवासी समाज के हजारों लोग आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन नया सराय के समीप तमाम आदिवासी समाज को पुलिस प्रशासन की ओर से रोक दिया गया। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है, तमाम पुलिस बलों की यहां पर तैनाती की गई है। हालांकि पुलिस बलों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि आज ये लोगों को विधानसभा की ओर नहीं जाने देंगे, तो वहीं दूसरी ओर तमाम आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि आज ये लोग सरकार तक पहुँच के रहेंगे, अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा करेंगे। आपको बता दें कि सीएनडी एक्ट और अन्य 17 सूत्री मांगों को लेकर तमाम आदिवासी समाज आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, विधानसभा की ओर कूच कर गए थे, लेकिन नया सराय के दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न जिलों से तमाम आदिवासी समाज आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। हालांकि आपको बता दें कि 14 मार्च को भी आदिवासी मूलवासी संगठन विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया था। उसके बाद 21 मार्च को कई आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था महज आधा घंटे पहले विधानसभा के। आप देख सकते हैं कि तमाम आदिवासी समाज के लोगों को नया सराय के समीप रोक दिया गया है। तो जिस तरीके से उल्लंघन कर आदिवासी जमीन की लूट समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर सभी जिलों से आदिवासी समाज के लोग आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले। दिखाने की कोशिश करेंगे कि नया सराय मैदान से विधानसभा तक मार्च करते हुए ये लोग निकले थे, लेकिन इन्हें नया सराय के समीप रोक दिया गया है। तो बोल सकते हैं कि विधानसभा से महज 2 किलोमीटर पहले ही तमाम आदिवासी समाज के लोगों को रोक दिया गया है। सम्मान के लिए हमको भी कतरा खून देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये आपको स्पष्ट हम लोग बताना चाहते हैं। इसलिए ये लड़ाई का शुरुआत है, ये विधानसभा घेराव हम लोग कोई प्रशासन टकराने के लिए नहीं, ये टेलर के रूप में हम लोग यहाँ पर ये जुलूस हम लोग निकाले हैं। हम लोग के पास जो ताकत है उसका ये टेलर है। आने वाला दिन हम लोग पिक्चर दिखाएंगे कि पिक्चर क्या होता है अगर सरकार नहीं मानती है। वो पिक्चर में हम लोग बताएंगे कि जल जंगल जमीन को कैसे बचाया जाता है, कैसे हमारे दखलदानी जमीन जो कोर्ट से ऑर्डर है 5000 से ज्यादा दखलदानी का ऑर्डर है, लेकिन अभी तक उसका पालन नहीं हो रहा है। वो जमीन अगर पालन नहीं होगा तो कैसे दखल दिया जाता है, वो हम लोग आदिवासी संगठन दिखाएंगे। उसको हम लोग बताएंगे कि कैसे यह दखल दिया जाता है। हम लोग बताएंगे कि ये चीसी जो है हम लोग का ये जमीन खतियान 32 का खतियान देकर हम लोग चीसी बना है, ये आपका नहीं है, ये हमारा 32 का खतियान है, और ये 32 का खतियान तो ये हमारा है, और इसलिए जमीन और ये चीसी को या का रोजगार को लेकर है। यहाँ का जो विस्थापित है उनको जो है विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, तो वही दूसरी ओर सवाल का समाधान के लिए अब चीसी को ये कुछ नहीं छू सकते हैं। यहाँ को आजाद करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम विस्थापित सराय के समीप रोक दिया गया है। सीएनडी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकला था। हम आपको लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नया सराय वही दूसरी ओर हम आपको दिखाएंगे की सभा के माध्यम से पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। हालांकि बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि तमाम जो आदिवासी समाज विधानसभा का घेराव करने के लिए आए हैं वो विधानसभा का घेराव ना करें। दूसरी ओर लोगों का कहना है कि आज ये लोग विधानसभा का घेराव करके रहेंगे। तो हम आपको राजधानी रांची के नया सराय के समीप जहाँ विधानसभा से महज 2 किलोमीटर पहले ही तमाम हमारे जितना भी जुलूस प्रदर्शन में आए हैं रोक हमारे वहाँ तो एक तरफ जहाँ विधानसभा हमारे भाई बंधु सभी से आग्रह है कि आप तमाम लोग हो चाहे आप पर आप खड़े हैं वहीं पर आप बैठे यहीं पर हम लोग की सभा होगी। आप जो गाड़ी थोड़ा सा पीछे कर दीजिए विधानसभा का कर रहे हैं आप बगल में ट्रैक्टर को यहाँ बुलाएंगे हम लोग वहीं पर कर रहे हैं कि ट्रैक्टर से ही जो है हम लोग अपना संचालन करेंगे हमारे तमाम और अपनी बातों को संगठन विस्थापित संगठन वो तमाम करेंगे। तो हम आपको लाइव तस्वीरें राजधानी के नया वो तमाम अगुआ दोनों का हम लोग बात सुनेंगे। आने वाला दिन में हमारा संघर्ष कैसा होगा और किस रूप में हमारा अपना मांग को हम लोग सरकार से बनवाने का काम करेंगे, ये तमाम बात को लेकर यहाँ पर हम लोग सभा करेंगे।
उपस्थित मजिस्ट्रेट साहब को भी हम लोग अपना मांग पत्र हम लोग सौंपेंगे। तो आप लोग जहां पर उपस्थित है, जहां पर खड़े हैं, आप लोग बैठने का काम करेंगे। आपसे आग्रह है, तमाम जितना भी आए हैं, चाहे विस्थापित हो, चाहे हमारा आदिवासी समाज के जो लोग हैं, संख्या में धर्म बहन है, जो आदिवासी समाज के, आप लोग जहां पर खड़ा है, आप लोग बैठने का, यहां से लोगों की रणनीति बनी है कि आज ये लोग विधानसभा की ओर बढ़ेंगे, कूच करेंगे, लेकिन तो आप देख सकते हैं तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं अब सड़क पर बैठेंगे। बैठो बैठो भाई, बोलिए क्या कुछ मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों कृपया अपने अपने जगह में बैठ जाएंगे। सभा को हम लोग यहीं चलाएंगे, कृपया जहां भी है वहां देख सकते हैं। इनकी ओर से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि सभा को ये यहीं पर चलाएंगे, मतलब सड़क पर ही बैठकर अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो आदिवासी समाज के लोग विधानसभा के खिलाफ निकले थे, आज ये लोग सड़क पर ही बैठकर सभा चलाएंगे और अपनी बातों को तमाम विधायक तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोगों से जरूर बात करने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या कुछ रणनीति है। कृपया अपने अपने जगह में बैठ जाएंगे, जहां है वहीं पर बैठ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सभा को हम लोग यहीं पर चलाएंगे की अनुमति नहीं दी गई है, तो तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर ही। सभी महिला साथियों, नौजवान साथियों से अनुरोध है, मुख्यमंत्री हेमंत कृपया अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे। कोशिश करें विभिन्न विभिन्न जिले से तमाम जो लोग हैं अपने जगह पे स्थापन ग्रहण करेंगे, घेराव करने के लिए निकले थे। तो जिस तरीके से इनका कहना है कि सीएनडी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, आदिवासी जमीन की लूट हो रही है, साथ ही साथ 17 अन्य सूत्री टेम्पो को पीछे जाने के लिए थोड़ा जगह दे दें। समाज आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। हम आपको दिखाने की कोशिश, साथियों टेम्पो को जाने के लिए थोड़ा जगह दे दें। बहुत बड़ी तादाद में, काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, विधानसभा का घेराव करने के लिए लोग पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से इन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर बैठ गए, यानी कि नया सराय के समीप तमाम जो आदिवासी समाज के लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, वो सड़क पर बैठकर ही विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी बातों को मुख्यमंत्री और अन्य विधायक को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन और अन्य 17 सूत्री मांगों को लेकर आज आप लोग निकले थे, पुलिस प्रशासन की ओर से रोक दिया गया, आगे क्या कुछ रणनीति है। देखिए हमारा आंदोलन जो है, पहले भी हम लोग बताए हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मकसद जो है बैरिकेडिंग तोड़ना या प्रशासन से टकराने का नहीं है, हमारा मकसद है हमारी जो आवाज है, हमारा जो 17 सूत्री मांग है, उस मांग को जो है सरकार तक पहुँचाना, और ये हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, और अगर आने वाला दिन में हमारी मांग नहीं मांगी जाती है तो आने वाला दिन में हम लोग निश्चित तौर पर बैरिकेडिंग को भी तोड़ने का काम करेंगे, और उस समय किसी का बात नहीं सुनेंगे, अपनी बातों को रखवाएंगे। आंदोलन की नौबत क्यों पड़ी कि एक और जहां पे रामेश्वर उरांव का कहना है कि सरकार विचार विमर्श कर रही है, सरकार सीएनटी एक्ट के लिए गंभीर है, तो वहीं आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं। देखिए आंदोलन हमारा, आप जान रहे हैं कि हमारा 75 साल देश आजादी के हो गया है, और इस 75 साल में हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों के साथ केवल छलावा हो रहा है, यहाँ विस्थापितों के साथ केवल छलावा हो रहा है। आप देख रहे हैं जंगल जमीन, यहाँ जल कैसे लूटा जा रहा है। आज पहाड़, इतना सारा पहाड़ था, वो पहाड़ आज दिख नहीं रहा है, जंगल दिख नहीं रहा है। यह हमारा धार्मिक सामाजिक जो जमीन है उसको धड़ले से जो है बंदर बांट किया जा रहा है, यह गैर मजरूआ जमीन को धड़ले से दूसरे को ऊपर जो है ये बंदोबस्त करने का काम कर रहा है। तो ये जो जमीन का जो लूट है, इस लूट के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जब तक जो है हमारा शहीद जो बिरसा मुंडा है या वीर बुद्ध भगत जी है, इनकी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष किए हैं, और उनके बलिदान को जब तक हम लोग यहाँ पर लागू नहीं कराएंगे, उनका जो सपना को पूरा नहीं कराएंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 14 मार्च को भी कई आदिवासी मूलवासी संगठन विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, पुलिस प्रशासन की ओर से रोक दिया गया था। हालांकि अगर 21 मार्च की बात करें तो कई आंदोलनकारी भी विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, या फिर बात करें 1932 खतियान की, भाषा की, या फिर अन्य मुद्दों को लेकर। आप लोग भी आज विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे, आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, क्या कुछ प्रतिनिधिमंडल सदन जाएंगे। देखिए हम लोग निश्चित तौर पर
मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे और मिलते रहे हैं और हमारी मांगों को वहां तक पहुंचाते रहेंगे। हम अभी मेमोरेंडम स्टेट के माध्यम से हम लोग देंगे और एक समय लेके हम लोग मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और तमाम जो हमारा समस्या का जो लिस्ट है उसके आधार पर हम अवगत कराने का काम करेंगे। बाकी जो है सरकार की काम है, जिम्मेवारी है, हम लोग देख रहे हैं लगातार छलने का लोग काम कर रहे हैं, तो ये आंदोलन ही उनको जो है एक सही रास्ता पर ले आने का काम करेंगे। एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है आप लोगों को? देखिए, पुलिस प्रशासन का जो है ये उनके स्तर का मैटर नहीं है, इसीलिए हम लोग उनसे वार्ता इस सवाल पर हम लोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाह के भी इस समाधान नहीं कर सकते हैं। हमारा जमीन का अगर ये दखलदानी दिलाने का अगर ये काम किए रहते तो आज इतना बड़ा बखेड़ा नहीं होता। आज देख रहे 5,000 से ज्यादा दखलदानी का ऑर्डर है पूरे राज्य के अंदर, लेकिन अभी तक जो है केवल दखलदानी पड़ा हुआ है। तो ये जो है प्रशासन जो है केवल कठपुतली बन के यहाँ पर है, ये जो है अपना आदिवासियों का जो है केवल जमीन लूटने के पक्ष में ये लोग खड़े रहते हैं और इसीलिए जो है हम लोग इनसे बात करने का औचित्य नहीं समझते। तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग अलग अलग जिले से यहाँ पर पहुंचे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें सरकार से कोई भी लड़ाई नहीं है, ये बैरिकेडिंग तोड़ने नहीं आए हैं, ये बिना आदेश का यहाँ से जाने नहीं आए, हालांकि अपनी बातों को सिर्फ पहुंचाने आए हैं, सरकार को अपनी समस्या से अवगत कराने आए, हालांकि इनका कहना है कि ये यहीं पे रहेंगे और कुछ प्रतिनिधिमंडल जरूर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के नया सराय की, जहाँ पे तमाम जो लोग आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, आज वो लोग नया सराय के समीप बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि प्रशासन की ओर से इन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, हालांकि कुछ प्रतिनिधिमंडल यहाँ से विधानसभा की ओर रुख करेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि काफी संख्या में, कह सकते हजारों की संख्या में आदिवासी समाज आज कई मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन नया सराय के समीप उन्हें रोक दिया गया है। तो जिस तरीके से आज आदिवासी समाज हजारों की संख्या में विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, हालांकि उन्हें नया सराय के समीप रोक दिया गया, हालांकि इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन की ओर से इन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग आज विधानसभा का घेराव करने वाले थे, सरकार को अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस तरीके से CNT एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन लूट की जा रही है, या फिर साथ ही साथ 17 सूत्री मांगों को लेकर तमाम आदिवासी समाज आज विधानसभा का घेराव करने वाले थे, लेकिन इनका कहना है कि आज ये लोग सड़क पर ही बैठकर अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ही पहुंचाएंगे और सभा को यहीं पर चलाएंगे, यानी कि सड़क पर बैठकर ही सभा को चलाएंगे। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 को रांची।